सो गाइज गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आर सोलो कैंपिंग। बहुत दिनों बाद वो भी ना पुराना वाइब के साथ। आप लोगों को बोला था अभी ओल्ड ट्रिप द वर्ल्ड बैक आने वाला है। कैसा लग रहा है बहुत दिन बाद ये पुराना सोलो कैंपिंग देख के? ये वाला थोड़ा अलग हुआ है, जैसे कि हालांकि होता है मेरा हमेशा, उस टाइप का नहीं है, थोड़ा अलग हो रहा होगा। शाम को आए झटपट से अंधेरा हो गया, ऐसा तो होता नहीं है जनरली। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे जो सोलो कैंपिंग बनाने का मेरा उतना प्लान था नहीं, लेकिन इसलिए हो गया कि यहाँ पे मैं अभी हूँ नागालैंड में। नागालैंड की पूरा चारों ओर पहाड़ी, पूरा घने पहाड़ी के बीच में ना छोटा सा एक गाँव है, और वो गाँव में ना एक मस्त से एक रबर फार्म है, रबर प्लांटेशन है। तो उसका नाम है, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था, ठीक है। और ये जो जहाँ पे मैं अभी टेंट लगाया हूँ, ये जगह तो आप थोड़ा बहुत देख चुके हो। कैसा लगा हो बोला बताओ पहले कमेंट करके। मुझे ना बहुत ही ज़बरदस्त लगा, इतना मस्त जगह है ये। तो मुझे ना इसका जो वाइब है ना, वो थोड़ा फील करना था कि शाम के टाइम यहाँ पे कैसा होता है, पीसफुल कैंपिंग करने में कितना मज़ा आएगा, वो वाइब लेना था। और यहाँ पे जो एकदम सुबह सुबह, ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो नागालैंड में ना सुबह मैं 4 बजे सुबह हो जाता है, पूरा 4 बजे, ठीक है, पूरा चारों ओर लाइट हो जाएगा। और अगर लक अच्छा हुआ, बारिश का मौसम थोड़ा हुआ, तो क्या होगा पता है, यहाँ पे पूरा कोहरा छा जाएगा। तो सोचो ऐसे जगह पे इतना ज़बरदस्त ब्यूटीफुल लोकेशन पे अगर कोहरा छा गया चारों ओर तो कैसा लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त दिखेगा ना। तो वही चीज़ जानने के लिए मैं यहाँ पे सोचा कि चलो, मेरा जो डॉक्यूमेंट्री हो तो कंप्लीट हो चुका है बनाना, तो यहाँ पे थोड़ा सोलो कैंपिंग का वाइब ले लेते हैं। और ये चीज़ डेफिनेटली बता रहा हूँ कि गाइस, आप लोगों को वो जो डॉक्यूमेंट्री है ना, शायद अच्छा लगेगा। कुछ नया करने की कोशिश किया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसको एडिटिंग करके ये करके लाने में, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बस थोड़ा सबर करो, शायद अच्छा कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, नया कुछ देखने के लिए मिल जाए। तो बस इसी वाइब को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो सोचा मैं तो नागालैंड में हूँ, तो क्यों ना भाई पूरा जो नागामी स्टाइल खाना आज बनाया जाए, ठीक है। तो आज बनने वाला है नागामी स्टाइल खाना। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग चैनल देखते हो TTW ब्लॉग्स, तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा हम लोग नागालैंड में आके क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या फिर आप YouTube पे TTW ब्लॉग सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। मैं बनाने वाला हूँ राइस, और उसके साथ नागालैंड का एक चिकन का आइटम। पता नहीं कैसे लगा, क्योंकि अगर हम लोग जब नागालैंड पहली बार आए थे, ठीक है ना, वहाँ पे एक दुकान में हम लोग खाए थे चिकन वगैरह, मतलब जचा नहीं था, खा नहीं पाए थे। फिर भी इतना दिन रह चुके, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया है हमारा बॉडी, मुंह एडजस्ट हो चुका है। तो इसलिए मैं सोचा चलो फिर से मैं खुद से बना के देखता हूँ, अपना थोड़ा तड़का लगा के कैसा होता है नागामिस खाना। और इसीलिए मैं जो शाम को जाके, आप लोग तो देखे हो, जो वेजिटेबल लेके आया था ये भी चिकन में डलने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कट कर देते हैं। तो ये रहा वो वेजिटेबल, अंधेरा हो गया था प्रॉपरली दिखा नहीं पाया था, काटा काटा है थोड़ा इसमें। इसका टेस्ट भी मुझे नहीं पता कैसा लगता है, पहली बार मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं खा के।
चलो अभी बनाते हैं भाई नागामी स्टाइल चिकन। यहाँ पे मेरा थोड़ा तड़का मैं लगाने वाला हूँ, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। जैसे कि नागामी लोग क्या करते हैं, मतलब जो चिकन है डायरेक्ट पानी के अंदर डाल के बॉयल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको पहले फ्राई करने वाला हूँ थोड़ा गार्लिक के साथ, उसके बाद उसके अंदर गार्लिक जो ऑनियन जो भी है थोड़ा फ्राई करके उसके अंदर चिकन डालने वाला हूँ। हल्का सौते होगा। और इसके अंदर थोड़ा हल्दी, टमाटर और इसके साथ थोड़ा नमक। और अभी इसके अंदर डाल देते हैं पानी। ये देखिए गाइस, ये है फ्रेश बैम्बू शूट, फ्रेश तो नहीं, काइंड ऑफ फर्मेंटेड बैम्बू शूट। तो थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। पता नहीं ज़्यादा हो गया कि नहीं, अगर नागालैंड से कोई देख रहा हो तो बताओ, मैं ज़्यादा डाल दिया कि। और भाई इसके साथ अपने तरफ से थोड़ा फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, और इसके साथ ये जो वेजिटेबल था ये, इसको बढ़िया से बॉयल होने देना है। देखो हमारा चिकन करीब करीब रेडी हो चुका है। इसमें भी दो फाइनल चीज जाएगा जो कि है थोड़ा ड्राइड बैम्बू शूट, मतलब सूखा बैम्बू शूट है। इसका जो फ्लेवर जो है, मतलब इसका स्मेल जो है ना, पूरा ड्राइड फिश जैसा है पूरा। और इसके साथ साथ यहाँ का जो लोकल धनिया पत्ता जैसे दिखता नहीं है, लेकिन पूरा खुशबू उसका है। डाल दिया इसको बस, और 5 मिनट थोड़ा उबालना है, फिर ये पूरा तैयार हो जाएगा, मतलब खाने के लिए रेडी हो जाएगा। देखने में तो बड़ा ही एपेटाइजिंग लग रहा है, ग्रीन चिकन पहली बार शायद इस टाइप का मैं देख रहा हूँ। और गाइस ऑब्वियसली पहली बार बना भी रहा हूँ, देखते खा के इसका टेस्ट कैसे। लेकिन जो इसका खुशबू जो है थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है ना। आके देखते हैं कैसा बनाया हूँ, कैसा टेस्ट है। और एक चीज़ यहाँ पे आके एक चीज़ क्या सीखा पता है, जो केले के पत्ते में खाने से पहले ना ये बहुत ही फ्रैजाइल होता है ना, बस थोड़ा इधर उधर नाखून लग जाएगा तो टूट, मतलब फट सकता है। तो इसको बढ़िया से आग के ऊपर ऐसे दे देने का, फिर ये और बिल्कुल नहीं फटेगा। चलो परोसते हमारा नागामीज खाना पूरा ट्रेडिशनल तरीके से। ये गया हमारा राइस, और देखो गाइस ये रहा चिकन। देखने में तो अच्छा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। ये जो वेजिटेबल्स और ग्रेवी, और इसके साथ साथ गाइज और एक चीज़ है जो मैं लेके आया था, ये रहा ये जो पत्ता है। यहाँ पे नागालैंड में इसको ऐसे ही कच्चा खाया जाता है चावल के साथ। गाइज ये रहा हमारा चिकन, देखते चिकन तो अच्छे से पक चुका है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा सब्जी भी पूरा पक चुका है। शायद खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। तो चलो खाते हैं। पहली बार खुद से बनाया हुआ नागामिस खाना, क्योंकि ये नहीं बोलूँगा पहली बार नागामिस खाना खा रहा हूँ, होटल में खा के बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। अभी देखते हैं, ग्रीन रेड, चलो खा के देखते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये सब यहाँ पे आके जो वीडियो बनाने के चक्कर में ना हम लोग लास्ट कितने दिन से प्रॉपरली खाना भी नहीं खाए, और आज दिन भर बस सुबह 9 बजे खाया था और अभी जाके खा रहा हूँ, तो उसके वजह से भी टेस्ट अच्छा लग रहा हो सकता है, लेकिन अच्छा लग रहा है टेस्ट। जो वेजिटेबल का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मस्त लगा। लिटरली गाइस, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा लगेगा। मुझे लगा था इसका कुछ अजीब सा खुशबू मतलब स्मेल आएगा, लेकिन ब्लैक पेपर ने वाला चीज़ मैनेज कर दिया है। ब्लैक पेपर नहीं डाला होता तो शायद आता। और ये चिकन ट्राई करके देखते हैं। बहुत मस्त लग रहा है, सोचा नहीं था अच्छा लगेगा, बहुत ही मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है सदियों बाद चिकन खा रहा हूँ। भाई पत्ता खा के देखते हैं, पत्ता ऐसे इसके साथ जो भी अच्छा है, मतलब ये जो थोड़ा कुछ इसमें लग रहा है कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ टाइप का खुशबू आ रहा है, इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। वाह, नागामिस खाना इतना अच्छा, पहले जो सोच था उसका बदल गया। पता नहीं, शायद मैं ब्लैक पेपर वगैरह थोड़ा डाला हूँ कि नहीं, या फिर ऐसा है। अगर कोई नागालैंड से देख रहे हो तो थोड़ा कमेंट करके बताओ मैं इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा डाला हूँ। ये जो खाया हूँ पूरा हेल्दी है, बस हालांकि मैं इसमें नमक थोड़ा तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। इस टाइप का खाना टेस्टी है। तो गाइस, बहुत दिन बाद ये मतलब पीसफुल कैंपिंग करके अच्छा लग रहा है ऐसे लोकेशन पे। बस इंतज़ार है कल सुबह का, यहाँ का नज़ारा कैसा होता है, वाइब कैसा होता है। बारिश भी होता तो यहाँ पे और थोड़ा मज़ा आता, लेकिन चलो जो है बस ये नज़ारे को तो एंजॉय करना है। अभी चलते हैं सोने के लिए, आप लोगों को मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट गाइस। जंगल का जो आवाज़ है ना, बड़ा मस्त लगता है, एक शांति रहता है इसमें, मानो जंगल पूरा साइलेंट होकर आपको बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, या फिर बहुत आवाज़ करके भी पूरा शांत है।
गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का हुआ है 5:30। गाइस यहाँ पे सुबह 4 बजे पूरा लाइट हो गया था, लेकिन उस टाइम भाई बॉडी इतना टायर्ड था क्योंकि लास्ट कितने दिनों से ना बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, पूरा नॉन स्टॉप वर्क 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 काम वगैरह हो रहा था, इसलिए 4 बजे उठने का मन नहीं किया। कल रात से बारिश हो रहा है, करीब कितना होगा 11-12 बजे से आसपास शुरू हुआ है बारिश, धीरे 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 हो रहा है। मुझे लगा चलो बारिश होता रहेगा ऐसे ही, तो कोई टेंशन नहीं, और थोड़ा सो लेते हैं, लेकिन अभी बारिश थम गया है, पूरा हल्का हल्का बूंदाबांदी बस हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ का नज़ारा ना बहुत ही मस्त लग रहा है, बढ़िया ठंडा मौसम है, वाइब मस्त है, बढ़िया लग रहा है। चलो भाई ये खोलने के बाद ये मच्छर बहुत जल्दी अटैक कर देने वाले हैं, आग लगा लेते हैं, थोड़ा धुआं करते हैं, एरिया से मच्छर भगाते हैं, फिर भाई गर्मा गर्म चाय ये मौसम के साथ पियेंगे तो और मज़ा आएगा। एक लग रहा है बारिश हो रहा है उस तरफ, बहुत जल्द इधर आ जाएगा, मैं टार्पलिन लगा लेता हूँ वरना पूरा गीला हो जाऊंगा, टार्पलिन लगा लेता हूँ बारिश आने से पहले। फाइनली रेन आ गया, सुबह से उठ के थोड़ा बुरा लग रहा था कि भाई यार 4 बजे उठ जाना चाहिए था, बारिश नहीं हुआ, लेकिन चलो अभी मस्त बारिश आ गया तो बढ़िया भाई। बारिश के अंदर मतलब बारिश हो रहा है इसके बीच ये मस्त जगह के अंदर बैठ के पूरा फुल एंजॉय करते हैं, पीसफुल रिलैक्स करते हैं, और भाई बारिश हो रहा है और चाय ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, झटपट चाय बनाते हैं। अब मतलब चाय पीने का जो तलब है ना वो बढ़ चुकी है। ये चीज़ देख के आप लोग ये मत बोलना वहाँ पे आप यहाँ पे पॉलिथीन क्यों जला रहे हो बोल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई डस्टबिन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसको लेके कहीं पे अगर डस्टबिन में डालने की भी कोशिश करो वो भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेस्ट इसको जला देता हूँ ताकि ये जो एनवायरनमेंट गंदा ना हो, वजन बोलेंगे भाई उसे टॉक्सिक गैस निकलता है वगैरह, यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे मतलब 10-15 किलोमीटर की रेंज पे एक दुकान भी नहीं है। लो
लोकेशन की वजह से लग रहा है चाय भी बहुत कड़क बनी है, मस्त बनी है। बहुत दिन बाद भाई कैंपिंग में इतना मस्त चाय पी रहा हूँ। तो गाइस ये बताओ आप लोगों को कैसा लगता है ऐसे एक लोकेशन पे अकेला ऐसे कैंपिंग करते हुए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो रहा हो, मौसम ठंडा हो और जिधर देखो भाई नज़ारा कुछ और हो, जंगल भी ऐसा लगे पूरा ख़तरनाक हो, कैसा लगता है गाइस बताओ कमेंट करके। और यहाँ पे ऐसी जगह पे आप लोग अकेला कैंपिंग करना पसंद करते या फिर अपने दोस्त लोगों के साथ कैंपिंग करना पसंद करते? तो दोस्त लोगों के साथ कैंपिंग करना अच्छा लगता है ये जगह पे, तो जल्दी उन लोगों को भेजो ये वाला वीडियो और बताओ कि गाइस चलो चलते हैं ऐसे एक जगह पे, बढ़िया दोस्त लोग मिलकर मस्ती करते हैं ना। तो जब वो मस्ती के टाइम में हाथ में जो चाय का फिर से बारिश शुरू हो गया है और इस बार बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा है, हल्का फुल्का नहीं। अभी इतना भयानक पेड़ के अंदर हूँ बोल के समझ में नहीं आ रहा है, वरना बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। चलो अभी बनाते हैं भाई हमारा नागालैंड का और एक डिश जो कि बारिश के बीच खाने में ना बड़ा मज़ा है, एक फ्राई आइटम है ब्रेकफास्ट, मतलब वो वाला चीज़ स्नैक्स ब्रेकफास्ट में नागालैंड के लोग बहुत खाते हैं। चलो बना के देखते हैं, बना पाता हूँ कि नहीं, टेस्ट कैसा आता है। इन्हें डार्किंग थोड़ा और आलू के अंदर आग बुझ जाएगा। चलो कोई नहीं, इसके लिए भाई चाहिए मुझे राइस फ्लोर, मतलब जो आटा बोल रहा हूँ, चावल का पाउडर। बस ये हो गया हमारा आग भी थोड़ा बहुत सिक्योर, क्या ही गलती करते इसको थोड़ा आगे लगा लेता है तो ये आग सिक्योर करने का झमेला नहीं रहता। किसका जुगाड़ है? पानी के अंदर चीनी डाल के इसको मिक्स करना है, मिक्स करके फिर इसके अंदर डालेंगे। और आप लोग ना शुगर का पाउडर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट इसके अंदर, लेकिन मेरे पास तो नहीं है तो मैं ये जुगाड़ लगाया हूँ। गाइस ये जो डिश है इसका नाम है राइस पूरी, पूरी बनाने जा रहा हूँ लेकिन राइस फ्लोर से, देखते खा के कैसा टेस्ट है। अच्छा लगेगा मुझे, लग रहा है थोड़ा जो हमारे उस साइड में जो पीठा बनता है ना उस तरफ का लगेगा, उस तरह लगेगा। चलो ये दो बन गया है, 5 मिनट के लिए बस इसको अभी ढक के रखना है और मैं आगे का प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। ऐसे क्या बन गया,
कुछ और ही बना, इसको साइड रखते हैं, आप लोग देखे नहीं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं ये पत्ता थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, शायद जो केले के पत्ता से नहीं हो रहा था, पता नहीं, देखते हैं। हाँ अभी लग रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। पहले से बेटर है थोड़ा। ये थोड़ा सही बना है। फ्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। फूलना तो चाहिए लेकिन फूल नहीं रहा है, ज़्यादा मोटा हो गया लग रहा है। फूल रहा है, फूल रहा है। यस गाइस, यस। चलो पूरा परफेक्ट बनाएगा इस, बढ़िया। एंड में शेप भी सही आ गया। बस ये कंप्लीट हो चुका है फ्राई करना, इतना ही बना है। और इसके साथ साथ ना गाइस, और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइटम हमारे प्लेट में ऐड होने वाला है, जो कि ब्रेकफास्ट को पूरा कंप्लीट कर देगा, और आप लोगों को देख के भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, वो जो बढ़िया सा चीज़ है, आप लोग पहले भी इस वीडियो के शॉर्ट में देख चुके हो, आपके ऊपर दिख रहा है ना केला। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, ये जो है पका हुआ केला है। तो चलो आज का सुबह का ब्रेकफास्ट पूरा नागालैंड के स्टाइल से, मतलब आज का भी ब्रेकफास्ट पूरा नागालैंड के स्टाइल से। ये केला हाँ पक गया है अच्छे से अंदर से। ये पता है मुझे ना, मतलब मेरा ये बहुत बड़ा शौक़ था कि केले के पेड़ से पका हुआ केला ऐसे निकाल के खाना, और वो शौक़ ऐसे पूरा हुआ। और यहाँ पे इतना पूरा घना है जंगल के बीच से, काइंड ऑफ ए जंगली केले का पेड़ है, तो अलग ही स्वाद है इसका। चलो देखते हैं हमारा जो नागामीज स्नैक्स कैसा होता है, जो कि ब्रेकफास्ट बना हुआ है। अच्छा है, मीठा है, मतलब जैसे बोला था कि हमारे उससे अच्छा जो क्या बोलते उसको मीठा बनता है उसके जैसे, बस इसमें थोड़ा दूध और केला गिर जाता है, फिर भी ये बहुत मस्त लग रहा है। स्नैक के लिए मस्त, इसके साथ चाय पी सकते हो। मेरे को लग रहा है केले के साथ कॉम्बाइन करके खाने से ना और बहुत मस्त लग रहा है। मतलब इसका इसका आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा है, अभी अच्छा लग रहा है। बस अच्छा डालो, अभी आ रहा है मजा। बस चलो हम अपने एंजॉय करते हैं खाना, बारिश भी
मस्त धीरे धीरे हो रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है भाई ये डिश के साथ ये बारिश।